देखिए हमें कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ से माल पैक हो करके हमारे सामने निकल चुका है। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स आज हम आपको ले चलते हैं दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कि दीपावली आ रही है तो वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी करते हुए क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और खरीदारी करने के बाद आप सामान को आसानी के साथ में अपने घर या अपनी शॉप पर कैसे ला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। सारी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों। इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है फ्रेंड्स, और इसी से हमको जाना है, और हम देखेंगे कोई ऐसी सीट जिससे कि हम अपना बिलिंग वगैरह या कुछ सोचते हुए या कुछ लिखते हुए या किस मार्केट से क्या सामान खरीदना है ये सोचते हुए जाएं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर। ये दिल्ली, हम आ गए दिल्ली रेलवे स्टेशन, और यहाँ से अभी एग्जिट करते हैं, बाहर आ गए हैं इस टाइम। बहुत तेज़ धूप है फ्रेंड्स आज यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ से बाहर निकलने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस मार्केट में जाना है। जैसे कि हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं अभी, तो यहाँ से भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नज़दीक है, चांदनी चौक और सादरा भी ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि आपको कौन सी मार्केट में जाना है। सबसे पहली बात दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इस तरीके की बहुत सारी शॉप मिलेंगी आपको, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी मिलेगा, मोबाइल का सामान भी मिलेगा, और आपका जो ड्रेसेस वगैरह सूज इस तरीके का सामान मिलेगा, और काफ़ी सस्ते रेटों में आपको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ से आपको कोई माल नहीं खरीदना है। जब आप शॉप के लिए माल खरीदना चाहते हैं, मतलब जो आप होलसेल में माल खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको कोई माल नहीं खरीदना है। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो आप माल यहाँ पर आपको सस्ता दिखाई दे रहा है ना, अगर उस क्वालिटी का माल अपने गाँव में या अपने शहर में खरीदना चाहेंगे तो इससे भी सस्ता मिल जाएगा, मतलब इसकी क्वालिटी वो होती है, ठीक है। तो और दूसरी बात, इनके कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती है। माल एक बार बेच दिया तो उसके बाद आप कितना भी बोलिए तो ये वापसी नहीं करते, उसका मतलब ख़राब निकल जाए या कुछ भी हो जाए, यहाँ पर खाली चेक करके दे सकते हैं आपको। तो इस तरीके की मार्केट से बिल्कुल बचना है आपको, इसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे परचेजर बनना चाहते हैं, मतलब एक ख़रीदार बनना चाहते हैं अच्छे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकें, तो फ्रेंड सबसे पहले अपना जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसको इतना अच्छा बना करके रखना है वहाँ पर कि कोई आपको ये ना पहचान सके कि ये नया बंदा है या इसको कुछ मालूम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको मार्केट का पहले से मालूम होना चाहिए, आप मैप वगैरह पर देख सकते हैं। और मार्केट दूर है तो आप यहाँ से ऑटो पकड़ सकते हैं या फिर कैब वगैरह बुक कर सकते हैं। देखिए हम अभी आ चुके हैं भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ये सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है जहाँ तक अगर बात की जाए तो एक नंबर माल के लिए, मतलब जो प्रोफेशनली इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है उसके हिसाब से। देखिए यहाँ पर सारे शॉप आपको मिलेंगे, तो आपको इस बात का एक तो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे क्या है, हर आदमी से मतलब रेट मालूम करते करते नहीं जाना है आपको। कुछ जो बड़ी दुकानें हैं, जो होलसेल दुकान है, वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने को थोड़ा सा एक्सपोज नहीं करना है वहाँ पर, मतलब कि हम लोग पहली बार दिल्ली आए हुए हैं, ऐसा लगे कि हम लोग पैदाइशी दिल्ली वाले हैं, ठीक है। तो हम अभी देखिए यहाँ पर मेरे जान पहचान का काफ़ी ज़्यादा शॉप है, मैं अब वहाँ पर आपको बताता हूँ कि हाँ वहाँ पर किस तरीके से। देखिए जब एक बार आपका यहाँ पर जान पहचान हो जाता है और ये लोग आपको जानने लगते हैं, तो उसके बाद तो दूर से ही मतलब जो भी है हेलो हाय होने लगता है, तो इस तरीके से फिर प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन आपको पहली बार में दोस्तों क्या करना है कि थोड़ा इस तरीके से बात करना है, और आपको कितनी क्वांटिटी में क्या माल चाहिए, और साथ साथ में दोस्तों किस पैकेट में कितने पीस आते हैं, इस तरीके की नॉलेज आपको पहले से लेनी है। अगर आप वहाँ पर जा करके इस तरीके से बात करेंगे, और दोस्तों उसका प्रोफेशनल नाम क्या है, जैसे कि आपको एक स्विच ख़रीदना है तो आपको बेड स्विच ख़रीदना है या कौन सा वाला स्विच, कर मॉडलर खरीदना है, सिंपल खरीदना है, तो इस तरीके से ये नॉलेज थोड़ा पहले ही होना चाहिए जिस भी कैटेगरी का माल आप खरीदना चाहते हैं, मतलब ठीक है। तो अभी देखिए जिस तरीके से ये देखिए, एक तो शॉप नंबर होता है यहाँ पे, तो शॉप नंबर किस आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ से माल ख़रीदना है, या हम पिछली बार माल कहाँ से ख़रीद के गए थे, वो सारी चीज़ें आपको शॉप नंबर के हिसाब से, या फिर आपको किसी को ट्रांसपोर्ट वाले को अगर एड्रेस देना कि भाई वहाँ उस शॉप से माल उठा करके लेके आना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें शॉप नंबर से हो जाते हैं। देखिए अभी ये मेरा पहले से दुकान है यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे आप देखिए। लेकिन आपको ये भी नहीं देखना है कि हाँ आज दुकान लगा हुआ तो रेट एकदम सही होगा। देखिए अभी मैंने इसका वॉइस को म्यूट किया हुआ, लेकिन इन्होंने जो मेरे को रेट बताया वो ज़्यादा मेरे को लगा, ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है पहले मैं मार्केट में घूमता हूँ और उसके बाद में यहाँ से परचेजिंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जहाँ हमें जाना था, देखिए हमको जो दूसरा आइटम, देखिए दो आइटम मैं आपको ख़रीद के यहाँ से दिखाता हूँ, एक तो इमरसन रोड जो पानी गर्म करने का रोड होता है, और उसके बाद में झालर वाले के पास भी ये एलईडी बल्ब है, जो मेरा पुराना एलईडी बल्ब जयसूर्या कंपनी का बल्ब मैं बेचता हूँ, मैं यहीं से बेचता हूँ। देखिए भाई ने हाय हेलो कराया, मैंने इसको भी म्यूट किया हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, ये देखिए अभी मैंने इमरसन रोड को सेलेक्ट करना है, यहाँ से वाटर प्रूफ लेना है, नॉन वाटर प्रूफ लेना है, 1500 वाट 2000 वाट क्या लेना है, ठीक है, मैंने देख लिया यहाँ पर, ओके।
अभी मैंने यहाँ से इनको बोल दिया है कि आप माल निकलवाइए, ठीक है, मैं कुछ देर के बाद मैं आपके पास में आता हूँ। इस तरीके की बात हुआ मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा दुकान होता है दोस्तों, माल तो फैक्ट्रियों से आता है। आप ऐसा नहीं सोचे कि छोटी दुकान है तो उसका काम छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे दोस्तों लिमिटेड फर्म होती है, यानी कि छोटी छोटी दुकानों में लिमिटेड फर्म ऑल इंडिया सप्लाई करते हैं यहाँ से, ठीक है। एक तो ये वाली बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। लेकिन आप अगर आपकी लैंग्वेज और आपको पहले से नॉलेज है कि आपको क्या ख़रीदना, कितने पीस निकलेंगे और उसका रेट पहले से आपको आपके नज़दीकी वाली मार्केट में कितना है, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर कोई फ्रॉड का शिकार नहीं बना सकता। अभी देखिए दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पर, और यहाँ से लेकर के कैसे जाना है दोस्तों वो भी बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरा इमरसन रोड का काम हो गया, वो आदमी बंदा पैक कर रहा है, ठीक है। अगर आप पहले से यहाँ पर आए हुए तो देखो उसको पेमेंट अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो बंदा पैक कर रहा है जो कार्टन के हिसाब से पैक करेगा, ठीक है। अभी हम लोगों को झालर, देखिए झालर के अगर आप एक अच्छे से परचेजिंग खरीदना करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि आपकी नज़दीकी मार्केट में देखिए झालर का रेट क्या है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, ठीक है, तो आपको रेट मालूम करते चले जाना है ऐसे, ठीक है। आपको ये रेट मालूम करते रहेंगे और क्वांटिटी पूछेंगे आपसे, तो आपको क्वांटिटी मालूम होना चाहिए कि एक कार्टन में कितने पीस है इसके, पहले से ही मालूम होना चाहिए मतलब, ठीक है। तो आप बोलना है एक कार्टन, दो कार्टन, तीन कार्टन, ठीक है। दोनों तरह का माल हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया, और अभी देखिए एड्रेस लिखवाया है यहाँ पर, जीएसटी नंबर और अपना मार्का जिस नाम से आपकी शॉप होती है, जैसे शगुन इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा है तो मैंने SE करके मार्का लिखवा दिया, जिससे ट्रांसपोर्ट पर मिलने में आसानी हो जाएगी। मतलब वहाँ पर SE मार्का बोलना है, खाली आपका माल मिल जाएगा वहाँ पर। देखिए माल जितना भी माल था सारा इकट्ठा होकर यहाँ से पैक होकर के निकलने लगा है अभी, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं करना, मैं खाली वीडियो बनाने के लिए इनके साथ में हूँ, बाकी मेरे को कुछ नहीं करना। ये सब लोग अपने आप कर रहे हैं और इनको खुद मालूम भी नहीं है कि जिसका माल है वो तुम्हारे साथ, ठीक है। ये माल पैक हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से सीधे अपने घर के लिए निकल जाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी माल को अपने दिए हुए एड्रेस पर पहुँचा सकते हैं, सिर्फ आपको चाहिए एक GST नंबर और आपका एड्रेस, ठीक है। GST नंबर आपका और आपका एड्रेस शॉपकीपर को दे देना है, तो और आपका जो नज़दीकी ट्रांसपोर्ट है उसका पता वहीं पर लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले वो जो ऑफिस होते हैं उनके नंबर सब उनके पास में होते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में माल यहाँ से जाता है, ठीक है। आप चाहें तो वहाँ से GST का बिल कटवा करके और रेलवे स्टेशन पर आकर के माल बुक कर सकते हैं, जो रेलवे कोरियर फैसिलिटीज होती है वहाँ से माल आपके एड्रेस तक पहुँच जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एकदम सेफ तरीका है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत माल तो बाय हैंड ला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि माल बीच में इलेक्ट्रॉनिक माल को दोस्तों उससे पास नहीं हो सकता है जो चेक इन होता है। जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी जानकारी लेनी कमेंट करके ले सकते हैं। आने वाली वीडियो में भी इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।